दोस्तों हिंदी टेक ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं राजदीप और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नोटबुक में और लैपटॉप्स में क्या डिफरेंस होते हैं और आपको किसके लिए जाना चाहिए, आपको नोटबुक खरीदना चाहिए, आपको लैपटॉप खरीदना चाहिए और आपके लिए सही क्या है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लैपटॉप और नोटबुक को जब कंपेयर करने की बात आती है तो हम तीन उसके क्राइटेरिया रखेंगे जिस पर हम उन्हें कंपेयर करेंगे। पहला है डिज़ाइन, दूसरा है स्पेसिफिकेशन और तीसरा है प्राइस। तो सबसे पहले वाले क्राइटेरिया की हम बात करते हैं डिज़ाइन की। दोस्तों डिज़ाइन की अगर हम बात करते हैं तो नोटबुक्स जो होते हैं वो बहुत ही स्लीक होते हैं, बहुत ही स्लिम होते हैं और बहुत ही स्टाइलिश होते हैं। वो उनका वेट भी कंपेरेटिवली लैपटॉप से बहुत कम होता है। उसकी वजह अगर हम लैपटॉप को देखें तो लैपटॉप का वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़े से मोटे होते हैं और साइज में और वेट में भी वो हैवी होते हैं। दोस्तों दूसरा क्राइटेरिया है स्पेसिफिकेशन। तो अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको लैपटॉप्स में एक बहुत अच्छा स्पेसिफिकेशन मिल जाता है। उसके अंदर आपको एक अच्छा प्रोसेसर, अच्छी रैम, अच्छी ग्राफिक्स और एक अच्छा डिस्प्ले और एक अच्छी बैटरी लाइफ आपको मिल जाती है। और उसका रीज़न ये होता है कि वो साइज़ में बड़ा होता है तो हार्डवेयर आप कितने ही बड़े और कितने ही हेवी उसके अंदर आप लगा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होता है। इसकी वजह नोटबुक्स में आपको इतना अच्छा स्पेसिफिकेशन नहीं मिलता। तो नोटबुक्स के अंदर आपको कम स्पेसिफिकेशन मिलता है, प्रोसेसर होता है वो कम पावर का होता है, ज़्यादा ग्राफिक उसके अंदर और ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर अगर यूज़ करते हैं तो वो बैटरी को और उसके ओवरऑल डिज़ाइन पर उसका फ़र्क पड़ता है। इसलिए नोटबुक जो है वो स्लिम ट्रिम होते हैं लेकिन स्पेसिफिकेशन उसमें इतना हाई नहीं होता जनरली। दोस्तों तीसरा क्राइटेरिया है प्राइस का। तो प्राइस में अगर आप नोटबुक्स की बात करें तो नोटबुक्स बहुत महंगे होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि आपको एक पतला सा डिज़ाइन मिलता है, स्लीक डिज़ाइन मिलता है, मिनिमल डिज़ाइन मिलता है और उसके अंदर सभी हार्डवेयर्स होते हैं। तो वो डिज़ाइन की वजह से, उसकी कॉम्पैक्टनेस की वजह से, उसकी मोबिलिटी की वजह से आपको नोटबुक जो है वो महंगे मिलते हैं। एज़ कम्पेयर्ड अगर आप लैपटॉप करें तो लैपटॉप जो है वो आपको सस्ते मिल जाते हैं। जो कॉन्फ़िगरेशन में आप नोटबुक लेने जा रहे हैं अगर उसी कॉन्फ़िगरेशन को आप लैपटॉप में लेने जाएंगे तो आपको कहीं गुना सस्ता मिल जाएगा। अब बात आती है कि आपको कौन सा लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल सा इसके लिए फार्मूला बता रहा हूँ। अगर आपका बजट अच्छा है और आप बहुत ज़्यादा घूम फिर के काम करते हैं, मतलब आप ट्रैवलर हैं या आपको आना जाना पड़ता है ऑफिस से आप घर के लिए, अगर कोई लेना चाहते हैं तो आपको नोटबुक लेना चाहिए क्योंकि उसमें आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है और अच्छी बैटरी लाइफ मिलती है और बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, उसे कहीं भी उठा के रख सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं, आपको एक नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए तो आपको लैपटॉप लेना चाहिए क्योंकि आपको प्राइस उसके अंदर आपको कम मिलता है, कम प्राइस में आपको लैपटॉप मिल जाता है और परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। अब बाकी आप हेवी गेमर है या प्रोफेशनल यूज़ कर रहे हैं या वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप नोटबुक लें, आप एक लैपटॉप ही लें। क्योंकि जब आप हेवी काम करते हैं, प्रोफेशनल काम करते हैं, वीडियो रेंडरिंग 3D पर काम करते हैं, ऑटोकैड और प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत होती है और वो नोटबुक्स में जनरली इतना कंप्यूटिंग पावर वो नहीं दे पाता एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप्स। तो लैपटॉप्स आपको कम प्राइस में मिलेगा, परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगी और आप उससे मैक्सिमम आपका जो काम है वो जल्दी जल्दी कर पाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।